एक वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन लगे हां। दस दईए कि आउण वाले समें दे विच कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वर्गे देशां समेत होर कई देशां दीआं टिकटां दी कीमत दे विच वाधा हो सकदा है। दस दईए कि इस दा सिद्धा सिद्धा असर पंजाबीआं दी जेब ते वी पवेगा, जां फिर कह लईए कि जिन्हां लोकां ने हवाई जहाज़ जरिए दूजे विदेशों के मुल्कों के सफ़र करना है, उन्होंने भारी नुकसान का सामना करना पै सकता है। काबले गौर है कि गो फस्ट नामक एक हवाई कंपनी दिवालिया हो चुकी है ते उसके दिवालिया हल लई अर्जी देना अते उड़ाना नू रद्द करना एयरलाइन उद्योग लई चंगा नहीं है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना विचार प्रगट किया है कि गो फस्ट के इस कदम के नाल समर्था घटेगी अते कुछ रूटा ते हवाई किराए वधनगे। प्रिट एंड विटनी इंजन सप्लाई संकट के विचकार गो फस्ट ने 3 मई तो 3 दिनों के लिए अपन उड़ाना मुअत्तल कर दिता है ते नाल ही एयरलाइन ने दिवालिया हल लई भी अर्जी दे दिती है। TAAI दे प्रधान ज्योति मयाल ने PTI भाषा नू दस्या कि ए एयरलाइन उद्योग के लिए बहुत खराब स्थिति है। किंगफिशर एयरलाइनस के सानू करोड़ों रुपये का नुकसान होया, जैट एयरवेज नू भी नुकसान होया, हुण एक होर दिवालिया मता सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों तो वधदे समय चल रही गो फस्ट एक घटनाक्रम अजिहे समय सामने आया जदों घरेलू हवाई आवाजाई वध रही है। उन्होंने कहा कि इस समय हवाई यात्रा की मांग है क्योंकि ये छुट्टियां का सीजन है। असी उन्हां खेत्रां दे विच किराए वधाउण की संभावना देख रहे हैं जिथे गो फस्ट उड़ान भरदा है। आने वाले हफ्तों के हवाई किराए वध जाएंगे।